फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज के वीडियो में मैं आपको शरद पूर्णिमा के लिए खीर बनाना सिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक छोटी कटोरी टुकड़ा चावल लिया है और उसे पानी में भिगो दिया है अच्छे से धोकर। तो हमें टुकड़ा चावल क्यों लेना होता है, क्योंकि इससे खीर बहुत अच्छी बनेगी। तो अब हमने चावलों में दो सीटी लगा दी है और ये सारे मेवे हैं और ये केसरी मिल्क मसाला है। तो अगर आपको केसर मिल रहा है तो आप केसर डाल दीजिए, वरना आप ये केसर मिल्क मसाला जो सिर्फ 50 रुपये से भी कम का आता है ये आप ऐड कर सकते हैं। इसमें काजू बादाम सब होते हैं, तो आपने अगर वो केसर मसाला ऐड किया है तो कुछ और डालने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये हमने एकदम मलाई वाला एकदम गाढ़ा दूध लिया है, जो हमने गैस पर 2-3 बार उबाल लिया था तो उसकी वजह से वो एकदम गाढ़ा हो गया और मलाई भी अच्छे से आ गई है। तो ये देखिए हमारे जो चावल हैं वो अच्छे से पक गए हैं। इन्हें हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे अच्छे से और इसमें हमारा जो दूध है वो डाल देंगे। आपकी ये खीर एकदम झटपट बनके रेडी हो जाएगी। और फिर और थोड़ा सा दूध डाल देंगे मलाई के साथ, हमें मलाई भी डालनी है ताकि हमारी जो खीर है वो एकदम कढ़ी हुई एकदम टेस्टी बने। फिर हम इसे सिम गैस पे, देखिए गैस की फ्लेम एकदम सिम है, सिम गैस पे हम इसे 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। तब तक हम हमारे जो मेवे हैं वो भून लेंगे। अगर आप वो मिल्क केसर मसाला डालेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर बट अगर आपका मन हो तो आप मेरी तरह डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की जो खीर होती है उसमें केसर हमें ज़रूर डालना चाहिए। बट अगर आपके पास केसर ना हो तो आप वो केसर मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को भी रोस्ट कर लिया है, चिरौंजी भी डालेंगे। और इसके दौरान हमारी खीर भी गैस पे पक रही है। और ये जो केसर मसाला था ये देखिए ये कुछ ऐसा निकला है अंदर से पैकेट से, तो कितना अच्छा हमारा पाउडर निकला है। इसे आप ऐड करेंगे तो आपकी खीर बहुत ही टेस्टी लगेगी, आपको बहुत ही टेस्टी बनेगी। फिर ये जो मेवे थे इन्हें भी हम कूट लेंगे, थोड़ा सा इनको अच्छे से कूट लेंगे ओखली की हेल्प से। और इलायची भी हम इसी में ऐड कर देंगे। और अब इन सभी मेवों को, सभी चीज़ों को, इलायची को हम हमारी पकती हुई खीर में ऐड कर देंगे और हमारी खीर को अच्छे से पकने देंगे। तो ये देखिए जब खीर पक पक के हमारी थोड़ी कम हो जाएगी ना क्वांटिटी में, उसके बाद हमें गैस बंद कर देनी है। तो ये देखिए अब हमारी खीर अच्छे से पक गई है। खीर के अच्छे से पकने के बाद हम उसमें चीनी मिलाएंगे, वरना खीर के ख़राब होने का डर रहता है। तो जब खीर पूरी बन जाए आप गैस बंद करने के 1-2 मिनट पहले ही उसमें चीनी मिलाएं। तो ये देखिए हमारी खीर बन गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।